सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हिंदी भाषा के घटते महत्व पर अब लोगों को चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलवाने में हिंदी भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और ये एक संपर्क का जरिया था। आंदोलन की भाषा ही हिंदी थी। जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी का त्याग कर दिया था, लेकिन भारतवासी आज तक इसका त्याग नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते अगर देखा जाए तो गांधी के शब्दों में आज भी आजादी अधूरी है। सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने इस मौके पर हिंदी भाषा के घटते महत्व पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलवाने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और आंदोलन की भाषा भी हिंदी थी। जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी को त्याग दिया था, लेकिन भारतवासी आज उसका त्याग नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते अगर देखा जाए तो गांधी के शब्दों में आज भी आजादी अधूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में हिंदी के प्रति हीन भावना देखी जा रही है, जो चिंता का विषय है। शांता कुमार ने कहा कि वे सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आग्रह करेंगे कि हिंदी का वनवास खत्म किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा अधिवेशन सोलन में आयोजित कर हिमाचल को गौरवान्वित किया गया है। इस अधिवेशन के माध्यम से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया कि वे संघ की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को भी स्थान दिलवाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी वे अपील करेंगे कि वे प्रदेश में हिंदी को व्यवहारिक भाषा का दर्जा दे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी याद अंग्रेजी को भी मिटाना जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूं हिंदी साहित्य सम्मेलन को कि इस बार का अधिवेशन उन्होंने हिमाचल में सोलन में करने का निर्णय दिया, हिमाचल को ये सम्मान दिया और मुझे उसकी अध्यक्षता का सम्मान दिया। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। उसमें मुख्य रूप से हिंदी से संबंधित सभी बातों का विवेचन हुआ है। मैंने अपने अध्यक्ष भाषण में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया है कि वे राष्ट्र संघ की भाषाओं में आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को भी स्थान दिलाने की कोशिश करें। और यहाँ आज मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी एक अपील की है कि हिमाचल प्रदेश में भी अगर कसर है कहीं तो हिंदी को पूरी तरह से कामकाज की भाषा बनाने का प्रयत्न करें। मैं हिमाचल के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम भारत के हैं। और ये नहीं लगना चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजों की दास्तां की मनोवृत्ति कहीं पर बाकी है। अंग्रेजी जरूर लिखें। इस साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हिमाचल में हुआ, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक गौरवशाली दिन है। आज के दिन हिमाचल के भाई बहन ये निर्णय करें कि हम धीरे धीरे अपने व्यवहार की भाषा, निमंत्रण पत्र शादी का हिंदी में होना चाहिए, हमारे काम हमारे कारोबार के जो सारे बोर्ड है वो हिंदी में होने चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी मैंने अपील की है। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।